हे गाइस, दिस इज सुशान एंड आज आपके लिए फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो खैर, चलिए इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में आपको एक छोटे से मेथड बताऊंगा जिसके जरिए आप बिना कॉन्टैक्ट को अपने फ़ोन में सेव किए व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात कर सकते हो उस नंबर पे। तो यहाँ मैं आपको सारे ट्रिक्स एंड मेथड्स बताऊंगा कि किस किस मेथड आप कैसे कैसे स्टेप्स करने हैं। बट उससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आगे की। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं होगा, आपको बस एक URL की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी अपने स्मार्टफोन पे और एक ब्राउज़र की। ब्राउज़र कोई भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्राउज़र चलेगा। सो यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, एक URL यूज़ करूँगा। यह URL आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से इसे कॉपी कर लेना और अपने स्मार्टफोन के नोट्स पे सेव करके रख लेना। यहाँ पे सिर्फ ये आपको ये URL को अपने कोई भी ब्राउज़र के जहाँ पे आप URL टाइप करते हो वहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। एंड देन लास्ट में आपको नंबर लिखा हुआ होगा NUMBER, आपको उसे हटा के वहाँ पे अपना जो भी नंबर आपको चैट कर रही है उस नंबर को वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। एंड रिमेंबर, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कंट्री कोड पहले डालेंगे उसके बाद उस नंबर को डालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 91 आगे लगा के इंडिया का कंट्री कोड, एंड देन इसे गो कर देता हूँ। अब देखिए मैं जब मैं इसे गो कर दूंगा तो इस तरीके का इंटरफेस मुझे दिखेगा एंड इसके बाद ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा मुझे व्हाट्सएप पे। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है द फोन नंबर ये इजेंट अवेलेबल इजेंट इन व्हाट्सएप, यानी कि ये नंबर इस वक्त व्हाट्सएप पे नहीं है। ये तो पता चल गया कि इस नंबर पर कोई आईडी नहीं बनी हुई है। तो चलिए आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ अपना ही एक नंबर एंटर करके। यहाँ से मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये प्राइवेसी की बात है, विशेष हर कोई को तो शो नहीं कर सकता ना अपना नंबर। ये मैंने नंबर एंटर कर लिया। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई। ओके, हो गई। तो यहाँ देखिए मैंने गो कर दिया, अब ये फिर से रिडायरेक्ट कर दे रहे मेरे व्हाट्सएप पे। अब देखिए जब व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट होगा तो डायरेक्टली मेरी वो चैट खुल जाएगी बिना कुछ किए। देखिए ये मेरा चैट खुल गई। ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये जेन्युइन है एंड लीगल तरीका है। आप इसे ट्राई करिए एक बार, आई नो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी या मैं पसंद आया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आपको फिर अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए गुड बाय।